मियांवाली के रिहायशी मोहम्मद जुबैर अवान ने वतन की खातिर 14 जनवरी 2013 को खैबर एजेंसी के मकाम पर जामे शहादत नोश किया। इसी पर बात करेंगे अख्तर मजाज से। जी अख्तर मजाज, आज उनकी बरसी है। मेरे वतन, तेरी हुरमत पे, तेरी शान पे हजारों शहीदों को सलाम। इस वक्त हम मौजूद हैं शहीद मोहम्मद जुबैर अवान के घर। शहीद मोहम्मद जुबैर 14 जनवरी 2013 को खैबर एजेंसी के मकाम पर शहीद हुए हैं। आज उनकी बरसी मनाई जा रही है। इस हवाले से उनके वालदैन का क्या कहना है, बात करते हैं उनकी वालदा से। माजिद सैसो, मोहम्मद जुबैर कैसा बेटा आई तुम्हारा? बहु मेरा अच्छा बेटा आई, बहुत मजाक करता आई, समय बहुत फरी आई, छेड़ता आई, तंग करता आई, बहुत प्यार है मेरा बेटा ही, बड़ा बहुत मोहब्बत है इस नाल मेरी, बस बिछड़ गया हमसे। अम्मा जी, उन्होंने शहादत के बारे तुसा क्या आखो? बस वत अल्लाह की मर्जी, अल्लाह पाक दे ना ते कुर्बान होए, अल्लाह ही दिता, अल्लाह सोने के दो रात कुर्बान होए, बस खुशी की गल है। तो जरूर बेटा जो आई दिन पते, औलाद बहुत प्यारी चीज है, कमी महसूस है, बहुत महसूस है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उनके वालिद मलिक अब्दुल गफार। अच्छा अच्छा जी, तुसों ने सैसो बेटे दी शहादत दे बारे, अज उन्हां दी बरसी है, के जज्बात इन तुहाडे? अस उन्हां दी बरसी बाकायदगी नाल हर साल रब अल्लाह ताला दी मेहरबानी नाल हर साल मनाने, और सानू अपने बेटे ते फख्र है कि वह अल्लाह दे राह ते और पाकिस्तान दे राह ते कुर्बान हो गए। अल्लाह ताला सन होर बेटे दिते ने होर इंशाल्लाह जिंदगी रह गई। छोटा बेटा पढ़ दिया, उसने फौज की बरसी कर सा, बल्कि सन फख्र है जी पाकिस्तान दे ते मेरा बेटा शहीद हो गए। अल्लाह पाक दा माल है, अल्लाह पाक दे राह दे ते शहीद हो गए जी, सन उस फख्र है जी। बिल्कुल, इनका कहना है कि अल्लाह ने ही दिया था और उसी की राह में मोहम्मद जुबैर शहीद हुआ है। मोहम्मद जुबैर की शहादत पर उनके अहले खाना को फख्र है। और मलिक अब्दुल गफार का कहना